तो यार अब अपन देखेंगे पार्ट टू, ठीक है? पार्ट टू जब देखेंगे अपन, तो ऑलरेडी अपन पहले भी बात कर चुके हैं, अगेन सेम बात करेंगे पेरिटोनियल रिलेशंस की। तो इसमें अपन को केवल याद रखना है कि पूरा का पूरा ये क्या है, रेट्रोपोरिटोनियल है, मतलब ये मूव नहीं करेगा। इसी पार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है? यहाँ से हमारा ये फर्स्ट पार्ट सुपीरियर पार्ट, और ये हमारा आ गया सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं विस्टर रिलेशंस की। तो विस्टर रिलेशन में बात करें तो यार हम इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? हम अगर बात करें पार्ट वन की, तो हमने उसको कैसे देखा था, सुपीरियर इन्फीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर, है ना? क्योंकि वो कैसा था, वो इस टाइप में था। तो ये हो गया सुपीरियर इन्फीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा हो रहा है कुछ ऐसा, ठीक है? तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, ये ऐसा है तो सुपीरियर और इन्फीरियर तो रहेंगे, बट अभी जब ऐसा आएगा तो हम समझ सकते हैं कि ये लिटरल मीडियल में बैठ जाएगा। देखते हैं हम, तो आपको क्या करना है यार, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके जो पार्ट है ये वाला, इसके जस्ट नीचे क्या हो गया हमारी किडनी। कौन सी किडनी? राइट किडनी। राइट किडनी के ऊपर ऑब्वियस वाला सुपर रीनल ग्लैंड। देन हमारा ये जो है हमने पढ़ा था, यहाँ पर अगर हमारी कंटिन्यू होता, ठीक है, तो हमारा इन्फीरियर वेना कावा जैसे हमने पहले देखा था। फिर हमारा इस इन्फीरियर वेना कावा के बाजू में अपन को पता है कि अपन की क्या होती है, एरोटा, ठीक है? अब ये हमारे यहाँ पे याद रखना है आपको, श्वास मेजर मजर होता है, और यहीं से निकलती है हमारी राइट रीनल वेसल्स। अब देखते हैं, अब राइट रीनल वेसल्स जो है हमारी, वो यहाँ से निकलती हैं एक्चुअली, लेकिन आ तो रही है कहाँ पे, सेकेंड पार्ट में, तो हमें उसको दिखानी पड़ेगी। अब देखते हैं, तो यार सबसे पहले पोस्टीरियर रिलेशंस की बात करें, तो ये जो डायग्राम है आपको जो बनाना है, ये हमें पोस्टीरियर रिलेशन के लिए बनाना है, ठीक है? तो इससे आप पोस्टीरियर रिलेशन सारे देख चुके हो, तो आपको क्या करना है, राइट किडनी, राइट किडनी से आपका क्या जा रहा है, राइट रीनल वेसल्स, फिर इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन हो रही है, ठीक है ना? पहले तो आपको ये तीन याद रखने हैं, कौन कौन से, राइट किडनी है पहली, फिर दूसरी आपकी राइट रीनल वेसल्स, राइट रीनल वेसल्स फाइनली जाके ड्रेन कहाँ हो रही है, आपकी इन्फीरियर वेना कावा में। फिर आपको क्या याद रखना है, श्वास मेजर जो है चौथा मसल हो गया, ठीक है? तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम एंटीरियर रिलेशंस की। अब एंटीरियर रिलेशंस मतलब इसके जो ऊपर आएगा, है ना? तो अपन ये डॉट डॉट करके क्यों बताए, क्योंकि ये सब अब इसके ऊपर है, ठीक है? अब अपन ने इसका जो है सजाइटल सेक्शन नहीं लिया जैसे पहले वाले पार्ट में लिया था, इसका अपन ने सीधे सीधे रखा है। तो अपन अब देखो तुम्हारा जो है एंटीरियर में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ लिया भाई, ये आएगा आपका राइट लोब ऑफ लीवर, है ना? राइट लोब ऑफ लीवर आ गया। उसके बाद आपका क्या होता है, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन भी निकलती है यहीं से, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड जीजुनम, ठीक है? तो अपन को क्या देखना है, सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, राइट लोब ऑफ लीवर, ठीक है? देन आपकी यहाँ से आ गई ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, एंड फाइनली आपका जीजुनम। तो ये हो गए आपके एंटीरियर रिलेशनशिप्स। अब बात करते हैं इसके मीडियल में। तो मीडियल में अगर आपकी बात करें तो यहाँ क्या होगा आपका, ये यहाँ पे क्या होगा आपका, बाजू में जस्ट हेड ऑफ पैनक्रिया एंड गॉल ब्लैडर। तो यार ये इसमें कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए, ठीक है? एंड लिटरली बात करें मतलब यहाँ पे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा दो कोलिक फ्लेक्सर होते हैं, एक राइट कोलिक फ्लेक्सर, एक लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। कि यहाँ पे हमारा आ गया राइट कोलिक फ्लेक्सर। तो ये हो गया हमारा पार्ट टू, है ना? अब हम बात करते हैं इसी में पार्ट थ्री के बारे में।